अब देखो क्या बेटा, लिक्विड रेशियो की बात करते हैं। हमने करंट रेशियो की बात कर ली, अभी करंट रेशियो के दो क्वेश्चन बचे हैं, चिंता मत करना, अभी डिस्कस करेंगे उन्हें भी हम। देखिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है तुम्हारा, ये क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एल आर लिक्विड रेशियो। तुम जानते हो कि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? लिक्विड रेशियो फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है। अब तुम यहाँ पे लिक्विड एसेट देने रखी, लेकिन हाँ मजी करके करंट लायबिलिटी दे रखी है। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता था निकालने का? लिक्विड एसेट में हम बोलते थे कि सारी करंट एसेट ले लेना और क्या हटा देना, सिर्फ दो चीजें, अगर स्टॉक हो या इन्वेंट्री हो वो हटा देना, और जो भी प्रीपेड एक्सपेंस या एडवांस एक्सपेंस वगैरह है उनको हटा देना। तो तुम्हारे पास, मैं जो समझ पा रहा हूँ, करंट एसेट तुम्हारे पास अवेलेबल है, बोलो हाँ या ना, करंट एसेट अवेलेबल है, स्टॉक तुम्हारे पास अवेलेबल है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है? एक बात और बोलूं, अगर इनमें से, इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग है ना, तो कोई बात नहीं, उसे जीरो मान लेना। नहीं है तो नहीं है, क्या कर लोगे, निकाल तो सकते नहीं, ठीक है ना? तो जीरो मान लेना। ट्रेड रिसीवेबल का कोई यूज नहीं है, बिना बात की दे रखा है, कोई यूज नहीं है, बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो तुमको नजर आ रहा होगा कि 2 लाख में से 50,000 लेस कर दो और 10,000 लेस कर दो। तो तुमको देखो, मैं अगर यहीं पे बता के चलूं, तो 2 लाख में से कितना हटा दो, 60,000 रुपये हटा दो, तो कितना गया मेरे बेटे जी, 1,40,000 रुपये आ गया, और करंट लायबिलिटी तुम्हारी कितनी मेरे बेटे जी, 70,000 रुपये। तो फॉर्मूला क्या बना बोलिए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू 1,40,000 लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 70। रेशियो क्या निकल कर रहा है तुम्हारा, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2:1, बन गया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्विक एसेट विच इज कॉल्ड लिक्विड एसेट तुम्हारे पास है, इन्वेंट्री अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस अच्छा, वर्किंग कैपिटल अच्छा, कैलकुलेट करंट रेशियो। अभी कह रहा है करंट रेशियो निकाल के दिखाओ, क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है? एक काम करते हैं, जगह देखो, पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये छोड़ो फॉर्मूले को, तुम सीधी सीधी बात करो, लिक्विड एसेट यानी कि क्विक एसेट कैसे निकालते हैं? करंट एसेट में तो दो चीजें माइनस कर देते, बोला ना मैंने वही ऊपर वाला फॉर्मूला, क्या स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, सही बात ही नहीं है? अब मुझे इतना बताओ मेरे बच्चे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हारे पास ये चीज अवेलेबल है, ये रही 3 लाख रुपए, तुम्हारे पास ये अवेलेबल है, ये रहा इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस अवेलेबल है, ये रहा। तो तुम पे ऑब्वियस बात है, तुम क्या फाइंड कर लोगे, करंट एसेट फाइंड कर लोगे। ये जो माइनस वाली चीजें हैं, ये इधर जाके क्या हो जाएंगी मेरे बेटे जी, लिक्विड एसेट में प्लस हो जाएंगी। तो अगर मैं ओरली बोलूं तो 3 लाख के अंदर 80 और 20 ऐड हो जाएगा, तो वो तुम्हारी करंट एसेट जो निकलेगी ना, वो 4 लाख रुपए की निकलेगी, बोलो हाँ या ना। बट बेटा हमें क्या निकालना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटे जी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, बोलो हाँ या ना। अपने पास करंट एसेट तो आ चुकी है 4 लाख रुपए की, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं है। हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला, मत देखो क्या लिखा है हिंट में, आपको जो समझाया वो ध्यान में रखो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बोले हाँ या ना। तुम्हें वर्किंग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तुम्हें वर्किंग कैपिटल गिवन है, हाँ भैया गिवन है, ये रहा। तुम्हें करंट एसेट गिवन है, नहीं, फाइंड कर लेता करंट एसेट 4 लाख रुपए की, यहाँ से फाइंड कर लेते। तो तुम्हें करंट लायबिलिटी नहीं निकाल पाओगे, निकाल देंगे कैसे, तुम करंट लायबिलिटी को इधर लिया पॉजिटिव हो जाएगा, और वर्किंग कैपिटल को इधर लिया नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट एसेट है 4 लाख, 4 लाख में से वर्किंग कैपिटल लेस कर दो 2,40,000 रुपये, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये 1,60,000 रुपये बचेगा, कोई आएंगे ना। तो 4 लाख बटे 1 लाख, 4 लाख बटे 1,60,000, तो ये रेशियो निकल कर आएगा तुम्हारा कितना, 2.5:1, ये रेशियो निकल के तुम्हारा बाहर आ जाएगा। हाँ जी, अगर दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा जी, करंट एसेट दे दी है, ओके, इन्वेंटरी दे दी है, ओके, वर्किंग कैपिटल दे दी, ओके। क्या पूछा है, अगेन क्विक रेशियो पूछा है, क्विक रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास क्या है, करंट लायबिलिटी भी नहीं है, लिक्विड एसेट भी नहीं है, सुनो सुनो सुनो, निकाल दोगे तुम, कैसे निकालोगे बताओ। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला अगेन जोर से बोलो क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, सही बात ये नहीं है? तुम्हारे पास में जो समझ पा रहा हूं, करंट एसेट है, बहुत बढ़िया, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास ये नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, तो भैया सीधा क्या मानोगे तुम, इसे जीरो मान ले लो, कोई बात, या लिखना ही मत, क्लियर? नहीं, फॉर्मूला पूरा याद करो,
ये जो तुम्हें हिंट किया बवाल मचा रहे ना बेटा, हिंट बिल्कुल मत देखो, हिंट देख के सिर्फ आंसर निकाल पाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं निकाल पाओगे, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। दूसरी बात, तुम्हारा वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला लगा देना, कैसे निकालोगे बताओ, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल तुम्हारे पास, करंट एसेट तुम्हारे पास, करंट लायबिलिटी फाइंड हो जाएगी, इजी है, पुट कर देना आंसर बाहर आ जाएगा। ना समझ में आया तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत वाली बात ना, अभी कर लेंगे, ठीक है। चल अब देखो क्वेश्चन नंबर मैंने 20 करता हूँ, मैं कर रहा हूँ 20 भी नहीं कर रहा, मैं 21 करूंगा, ठीक है ना, और लगेगा तो 19-20 में से कोई सा एक तुमसे करवाऊंगा या मुझे लगेगा तो मैं कर दूंगा, क्योंकि ये मोस्टली क्वेश्चन एक जैसे जा रहे हैं। यहाँ लिखा है उमेश लिमिटेड की करंट रेशियो देगा 4.5:1, लिक्विड रेशियो देगा 3:1, इन्वेंट्री आपको देगी 36,000 रुपए की, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, कह रहे फाइंड आउट करंट एसेट एंड टोटल करंट लायबिलिटी, कुल मिला के करंट एसेट करंट लायबिलिटी फाइंड कर दी। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि तो बिना लिखे से साफ साफ काम होगा नहीं ना, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा है, ठीक है। अब आपको जो दे रखा है वो करंट रेशियो दे रखा है, चलो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है ना। आपको जो दे रखा है करंट रेशियो वो दे रखा है 4.5:1, चलो 4.5 / 1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है। अब देखिए तो करंट एसेट इज इक्वल टू व्हाट, 4.5 करंट लायबिलिटी, ठीक है, 4.5 करंट लायबिलिटी, उसके बाद लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या रेशियो इसका, 3/1, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिख दिया बेटा मैंने यहां पर, ठीक है। और इन्वेंट्री मुझे दे रही 36,000 रुपये, चलो अब इधर देखना बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इधर देखना, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। अच्छा अब मैं लिक्विड एसेट का फॉर्मूला खोल दूं, क्या है, करंट एसेट माइनस स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ कर सकते हैं, मैंने लिक्विड एसेट की जगह ये फॉर्मूला खोल दिया, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 3 करंट लायबिलिटी चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा करंट एसेट की जगह मैं ये पुट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कर सकते हैं ना, 4.5 करंट लायबिलिटी, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री मुझे गिवन है कितनी, 36, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, बात क्लियर हो गई। ये हो गया तुम्हारा 1, क्लियर है, करंट लायबिलिटी देखो ये इधर गया पॉजिटिव, इधर लिया नेगेटिव, 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू 36,000 रुपये डिवाइडेड बाय 1.5, ये करंट लायबिलिटी। अब आता है करंट एसेट निकाल लिया हमने, निकाल देंगे करंट एसेट इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, 4.5 मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी मेरे बेटा जी तुम्हारी, 24 इंटू 4.5 जो हो गया मेरा करंट एसेट, बाहर इन्होंने ये पूछा था मैंने ये निकाल दिया, क्लियर है मेरे बच्चे। अब देखो मैं तुमको टोटल करंट लायबिलिटी ये तो तुम कर लोगे, देखो 21 तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और करंट लायबिलिटी दे रखी है, करंट रेशियो दे रखा है, लिक्विड रेशियो दे रखा है, इन्वेंटरी निकालनी, चलो मैं तुमको ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, करो देखो, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ क्या लिखा है, आपको करंट एसेट दे दिया, करंट लायबिलिटी दे दी और ये रेशियो दे दिया है, क्लियर है,
फर्म वॉन्ट टू मेंटेन करंट रेशियो, करंट रेशियो कितना 2:1 का है, बाय परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इनका रेशियो 2.5:1 है और ये करंट रेशियो मेंटेन करना चाहते हैं 2:1 बाय परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। क्लियर ही नहीं है, मतलब गुड्स खरीद कर उधारी में इतना कंप्यूट कह रहे कि बताइए कितना गुड्स वो खरीदे उधारी पर जिससे 2:1 का रेशियो हो जाए। देखो इस बड़ा बढ़िया सवाल है, कई बार आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए आप ही मान लीजिए लेट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हमें मान लेते कि उधारी में जो माल खरीदा वो एक्स खरीदा, मतलब करंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमारे पास जो करंट एसेट है वो कितनी है 8.75 और करंट लायबिलिटी कितनी है 3.5 लाख, 8.75 और 3.5 लाख ये है। अगर मैं ये लिखता हूं तो मेरा रेशियो 2.5:1 आता है, बोलो आइए। लेकिन ये सोचो कि मुझे अगर मैं उधारी में जो सामान खरीदूंगा तो उधारी बढ़ेगी, मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी, और स्टॉक आएगा तो ऐसे स्टॉक इन्वेंटरी बढ़ी यानी करंट एसेट बढ़ जाएगी। मतलब मैं अगर एक्स गुड्स खरीदूंगा तो एक्स करंट एसेट बढ़ेगी और एक्स करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, और ऐसा करने से मेरा रेशियो क्या मेंटेन हो जाएगा 2:1। ऐसे तो बोले ना कि वो जब ये सामान खरीद लेंगे तो रेशियो 2:1 हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बताइए 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 7 लाख, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस 2x इज इक्वल टू 8.75 प्लस एक्स। अब ये 7 लाख को तुम लेके जाओ इधर की तरफ और x को लेके जाओ इधर की तरफ, ये बात क्लियर होगी। तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स और 8.75 माइनस 7 तो ये हो गया तुम्हारा 1,75,000 एक्स, यानी कि अगर मैं एक्स गुड्स खरीद लूंगा 1,75,000 सामान खरीद लूंगा फ्री में तो मेरे रेशियो 2:1 हो जाएगा। देखो मैं प्रूफ करूं, हालांकि तुम्हें प्रूफ करने की नीड नहीं है लेकिन स्टिल सीखने के लिए कर सकते हैं। करंट रेशियो देखो मेरी करंट रेशियो कितनी हो जाएगी 8.75 प्लस 1.75 का मैंने सामान और खरीद लिया, करंट लायबिलिटी कितनी मेरी 3.5 लाख और जब उधारी बढ़ेगी तो 1.75 की उधारी बढ़ गई। अब देखो ऊपर मेरी करंट एसेट कितनी होगी बेटा 10,50,000 की, 3.5 प्लस 1.75 5.25 की। अब जब तुम इसे काटोगे ना मेरे बेटा जी ये निकल कर आएगा 2/1 निकाल के देख लेना 2:1 मेंटेन होगी, यही करना चाहते थे। ये है सेम क्वेश्चन, सेम अगर आप देखोगे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम है कि 3 लाख की करंट एसेट है 2 लाख की करंट लायबिलिटी है, अकाउंटेंट ऑफ द फर्म चाहता है कि 2:1 रेशियो मेंटेन करना बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, यानी कुछ करंट लायबिलिटी पे करके। अभी क्या है इनका सवाल यहां पर क्या है कि बताओ कितनी लायबिलिटी पे करें कि रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए। तो देखो ये ना शॉर्टकट में देख लो, करंट लायबिलिटी पे करोगे तो पैसा जाएगा करंट एसेट कम होगी माइनस, और करंट लायबिलिटी पे हो जाएगी तो करंट लायबिलिटी भी गिर जाएगी माइनस इज इक्वल टू 2:1 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स की वैल्यू 1 लाख निकल कर आ जाएगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, है कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। करंट एसेट दे दी 5 लाख की, करंट लायबिलिटी दे दी 1 लाख की, क्लियर ही नहीं है ये है। सॉरी करंट एसेट दे दी 5 लाख रुपए की और कह रहे हैं इट पेड करंट लायबिलिटी, इन्होंने करंट लायबिलिटी 1 लाख की पे करी है, करंट लायबिलिटी थी कितनी ये नहीं पता, पे करिए 1 लाख। करंट रेशियो कह रहे एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1 कह रहे पे करने के बाद करंट रेशियो 2:1 हो जाएगा। तुम दिमाग लगाना जरा, हमारे पास डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर, कह रहे पेमेंट करने से पहले और पेमेंट करने के बाद वाली करंट लायबिलिटी बता दो और वर्किंग कैपिटल भी बता दो, ये बात क्लियर होती है, ठीक है। अब अगेन वही वाली बात आती है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन 14 की थोड़ी सी भूमिका रख देता हूं, करंट रेशियो आफ्टर वाला दे रखा है, आफ्टर वाला चलो
दे रहे हैं ना, आफ्टर वाला लगा लो, इज इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी। अब मुझे मेरे पास जो करेंट एसेट है वो बिफोर वाली है, पे करने से पहले वाली करेंट एसेट 5 लाख, चलो, और पे करने से पहले वाली करेंट लाइबिलिटी मेरे को नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूँ। अब जब मैं 1 लाख की करेंट लाइबिलिटी पे करूंगा तो करेंट लाइबिलिटी 1 लाख से गिर जाएगी, और पैसा जाएगा तो करेंट एसेट भी 1 लाख से गिर जाएगी, और मेरा रेशियो कितना हो जाएगा, आफ्टर वाला 2:1 हो जाएगा। सही बात ही नहीं है भाई, मेरे पास करेंट एसेट 5 लाख की है, जब मैं 1 लाख पे कर दूंगा क्रेडिटर को, करेंट लायबिलिटी पे कर दूंगा तो करेंट लायबिलिटी मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो मेरी करेंट एसेट कम हो गई। और करेंट लायबिलिटी थी कितनी मुझे ये नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि एक्स थी करेंट लायबिलिटी, और 1 लाख पे कर दूंगा तो 1 लाख से करेंट लायबिलिटी कम हो जाएगी और मेरा रेशियो आ जाएगा जिन्होंने बोला है 2:1 का। सही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आया तुम्हारा 2x - 2 लाख इज इक्वल टू व्हाट, 4 लाख, 2x इज इक्वल टू 6 लाख, x इज इक्वल टू 3 लाख। मतलब एक तरीके से पे करने से पहले वाली जो करेंट लायबिलिटी वो कितनी है, बिफोर वाली करेंट लायबिलिटी, यहां मैं लिख देता हूं, बिफोर वाली जो करेंट लायबिलिटी है वो तो बिफोर वाली करेंट एसेट, करेंट एसेट तो मुझे दे रखी है बिफोर वाली 5 लाख, और करेंट लायबिलिटी मुझे दे रखी है 3 लाख। बात क्या होगी, अब जब पे कर दोगे तो आफ्टर वाली करेंट एसेट कितनी आ जाएगी भाई, 4 लाख, 1 लाख का पैसा चला गया, और करेंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारी 2 लाख की, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख चला जाएगा, और देखो रेशियो 2:1 नजर आ रहा होगा तुम्हें, तो वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो बिफोर एंड आफ्टर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दोनों से निकाल लेना आंसर 2 लाख निकल कर आएगा, है ना, बिफोर का ये फॉर्मूला आफ्टर का फॉर्मूला, बात खत्म, क्लियर है, ये पॉइंट आता है। फिर लिक्विड रेशियो की तो हम बात कर ही रहे थे, ये रहा हो जाएगा आपसे 33 करते हैं, क्या पूछा है, करंट रेशियो क्विक रेशियो ये पूछा है। अब समझना, यहां पे बहुत सारा बवाल दिख रहा होगा तुम्हें, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन्वेंटरी, प्रीपेड, टोटल डेट, टोटल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझ गए, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ये सब दे रखा है। मैंने आपको बताया सीधी एक बात, एक नियम, प्रिपेयर तितली, तितली बना दोगे तुम्हारा आंसर बड़ा आसान है, क्लियर है, नहीं है, एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ करके देखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, या फिर एक काम करो मैं कर ही देता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट तितली से थ्रू क्लियर कर देता हूँ। टोटल डेट, टोटल एसेट, टोटल एसेट 16 लाख है, यानी देखो ये हो गया प्रॉपर्टी प्लांट, देखो नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसे हम बोलते फिक्स एसेट, ये हमको दे रखा 6 लाख, चलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये हमको दे रखा है 1 लाख, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन इन्वेंटरी प्रीपेड एक्सपेंस, देखो जो इन्वेंटरी है जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो यहां कितने भैया 1,90,000